तो आप लोगों के डिमांड के ऊपर हमारा जो सेकंड अर्निंग वीडियो है, मतलब यूट्यूब के थ्रू जो सेकंड पेमेंट आया है, उसका वीडियो आज हम आपको देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी देंगे और अर्निंग भी दिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा अगर कोई ज्ञान सुनना चाहते हैं तो उन लोगों का थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ है वो सबको आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पेमेंट वीडियो भी मैंने आपको बताया था कब, आज से करीब 4 महीने पहले हमारा फर्स्ट पेमेंट आया था। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं 2 मिनट तक आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान देने वाला हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपना अर्निंग भी दिखाने वाला हूँ कि कितना हमारा अर्निंग हुआ है, पहले से ज़्यादा हुआ है या फिर कम हुआ है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आप लोग अगर यूट्यूब में आना चाहते हो तो यूट्यूब में ज़रूर आओ, क्योंकि अभी के टाइम में यूट्यूब एक बहुत ही एक ट्रेंड चीज़ है जहाँ पे आप लोग अपना करियर बना सकते हो, पार्ट टाइम भी या फिर फुल टाइम भी यहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऐसे ऐसे में ही मतलब इतना दिन ब दिन इतना मतलब क्रेज़ इसका बढ़ता जाएगा और हम इतने इंटरेस्टेड हो जाएंगे, या मुझे भी नहीं पता था कि पैसा भी हम यहाँ से कमाएंगे। तो मैं टारगेट लेके मतलब यहाँ पे पैसा लेने के लिए टारगेट लेके नहीं आया था, पर पैसा भी यहाँ पे आप लोग अगर ठीक ठाक काम करते हो तो आप लोगों को एक डिसेंट अमाउंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बेसिकली $100 आप लोग अगर 2 महीने 3 महीने में भी आपका $100 हो जाता है तो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप $US में इनकम कर ले हो, और अपने एरिया में आप अपने मतलब आपके तरह कोई नहीं है, आप जो काम कर रहे हो बहुत ही यूनिक काम कर रहे हो, मतलब कोई आपके नीचे नहीं है, कोई आपके ऊपर नहीं है, खुद आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा। आप लोगों को आपको थोड़ा बहुत मतलब बहुत फेमस भी आप हो जाओगे, फेमस मतलब कि बहुत लोग आपको जानने लगेंगे, आपके एरिया के लोग नहीं जाने तो भी ठीक है, पर बाहर के लोग बहुत आपको जानने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ स्टेप मैं बताऊंगा, जो लोग आप जो ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये सब चीज़ आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं हर एक पॉइंट पे आप लोगों को वीडियो मैं बना के दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद एक अच्छा सा लोगो बनाना है, अपने चैनल का लोगो, जो आप खुद का नेम भी दे सकते हो, जो आपका खुद का फ़ोटो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसा एक नाम देना है जो नाम आपको मतलब जिस नाम पे आपको कोई भी मतलब उस चैनल यूट्यूब में उस नाम पे कोई भी चैनल ना हो। ठीक है, जिससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका फ़ायदा होगा कि आपका चैनल जल्दी सर्च में आ जाएगा, इससे क्या होगा, और आपका चैनल का नेम कभी भी आप चेंज मत कीजिएगा, एक नेम एक ही टाइम पे मतलब एक ही जैसा नेम रखिएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका जब भी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो आपको एक यूनिक URL देने मतलब यूट्यूब देता है, जिसे कस्टम URL भी बोला जाता है। ठीक है, कस्टम URL किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, अगर आपका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा किस तरीके से कस्टम URL क्रिएट किया जा सकता है, वो उस वीडियो में है। ठीक है दोस्तों, कस्टम URL बनाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट आपको उससे भी पहले जब भी आपने चैनल बना लिया है और एक चीज़ करना है, किस तरीके से अपना वहाँ पे चैनल में जाके वहाँ पे अपना सब्सक्राइबर ज़रूर हाइड करना है। ठीक है, सब्सक्राइबर अगर हाइड नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आप लोगों का अगर मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाना आता है पर भी फिर भी आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके वहाँ पे देख लेना, जब भी आपके वहाँ पे 1-2 सब्सक्राइबर रहेगा तो आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा। ठीक है, क्यों नहीं देखेगा, सबको पता चलेगा कि ये इसको कुछ नहीं आता है, क्योंकि 1 ही सब्सक्राइबर है, 2 ही सब्सक्राइबर है, 5 सब्सक्राइबर, इस वजह से आपका जब तक 10K सब्सक्राइबर नहीं हो जाता, 10,000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं हो जाता तब तक किसी को सब्सक्राइबर नहीं दिखाना है, कोई भी स्पॉन्सरशिप का लालच नहीं करना है, लालच करोगे तो आप लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप मिलेगा, एक टाइम आता है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर आपको ज़रूर स्पॉन्सर करेगा, जब एक डिसेंट सा व्यू आपको आने लगेगा। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए किस तरीके से आप लोगों को बात करना पड़ता है, आप किस तरीके से उन लोगों से बात करोगे, वो सब कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो कमेंट में बताना आप लोगों को किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कस्टम URL बना लिया, बहुत कुछ आप लोगों को दिखा दिया, उसके बाद चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में आपके चैनल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिखिए, अपना सोशल लिंक दीजिए। ठीक है, और अपना YouTube चैनल के साथ साथ अपना Facebook व Instagram सभी चीज़ का लिंक वहाँ पे दे दीजिएगा। तो गाइस, हमारा Instagram और Telegram का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत काम आएगा आप लोगों को। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज दे दिया। ठीक है, अगर इस चीज़ जितने भी पार्ट्स मैंने बताया उस पार्ट्स के ऊपर एक एक आप अगर डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को चाहिए, जो कि जितना पार्ट मैंने बताया आप लोगों को, तो ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को एकदम से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा, जिसके वजह से आप लोगों का चैनल थोड़ा बहुत ग्रो हो सकता है। मैं मनोज दे जैसा आप लोगों को ग्रो नहीं करवा सकता, क्योंकि मनोज दे जितना फेंकता है उतना मैं फेंक नहीं सकता। ठीक है, और उसको मैं फॉलो भी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, उतना बोलना भी नहीं मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो जो है ठीक है, उतना मैं बनना नहीं चाहता मनोज दे। मेरे ऊपर अगर आप लोग ट्रस्ट
पॉडकास्ट करते हो तो मैं जो जो चीज़ बोला वो चीज़ करो, आप लोगों का चैनल ज़रूर होगा। और एक मेन चीज़ जो आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो डालना है, एक दिन बाद या फिर दो दिन बाद आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं, तीन दिन बाद भी आप डाल सकते हो, पर शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा वीडियो डालिएगा। और वीडियो में क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा वीडियो डाल दिया कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा। आप ज़्यादा वीडियो मत डालो, कम वीडियो डालो और वीडियो के अंदर क्वालिटी लाओ। जो वीडियो यूट्यूब में नहीं है वो वीडियो आप लोगों को डालना है, ठीक है, ये आप सोच के काम कीजिए। आप किसी के भी वीडियो को कॉपी कर सकते हो, पर उसको मतलब कॉपी करके अपलोड मत कर देना, ठीक है, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो, उसको अपलोड करो, ठीक है। तो बहुत बकवास कर लिया 4-5 मिनट तक, आप चलिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलते हैं और सेकंड पेमेंट कितना आया है वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस, फाइनली हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट पेमेंट तो आप लोगों ने देखा था, करीब 7,200-7,300 का हमारा पेमेंट आया था, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड पेमेंट है वो कितना आया है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं अपने एनालिटिक्स पे, चैनल का जो एनालिटिक्स है वहाँ पे एनालिटिक्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो एनालिटिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो लास्ट पेमेंट आया था वो आपको दिखाना है। वो दिखाने के लिए आपको हमें पहले यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे अपना जो करेंसी है, करेंसी अभी यहाँ से हम INR कर देते हैं, ठीक है, इंडियन रुपीज़, यहाँ पे INR, यहाँ पे INR, ओके। तो INR करके यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे अपना जो लास्ट पेमेंट का डेट है वहाँ से हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। हमारा जो लास्ट पेमेंट आया था वो आया था नवंबर में, मतलब दिसंबर मंथ भी हमारा काउंट होगा, ओके। तो यहाँ पे हम कस्टम कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा डेट है, इस डेट का हमें पेमेंट मिला है, ओके। तो इसको हम एक बार अप्लाई कर लेते हैं, 1/12/2020, मतलब हमें दिसंबर मंथ से अप्रैल मंथ तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 5 मंथ हो गया। पहले का हमें आया था 6 मंथ का, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने कस्टम पे हमारा जो पेमेंट यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे हम चले जाते हैं रेवेन्यू सेक्शन पे, ओके। रेवेन्यू सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कितना अर्निंग यहाँ पे हुआ है। हमारा यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू हुआ है 8,118 रुपये। पिछले टाइम हमारे पास आया है 7,200 समथिंग कुछ आया था, इस बार थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेली के बेसिस पे कितना पेमेंट मिल रहा था आप देख सकते हो, यहाँ पे 30-40 सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारा गया था, यहाँ पे देख सकते हो 95 और 110 रुपीज़, मतलब 110 रुपये तक हमारा सबसे हाईएस्ट गया था। तो एवरेज हम यहाँ पे 40 रुपये पकड़ लेते हैं, क्योंकि 40 रुपये ही यहाँ पे पर डे आ रहा था। तो देख सकते हो गाइस, पहले हमारा जो इनकम था यहाँ पे कितना था और अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी यूट्यूब में ज़रूर मतलब मन लगा के काम कीजिए, तो आप लोग भी पैसा यहाँ पे जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे RPM मतलब देख सकते हो RPM रेवेन्यू पर मिल एवरेज में कितना मिला है, $26.76 पर मंथ का मिला है, ठीक है, इतना दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू यहाँ पे 8,000 रुपये हुआ है। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि यूट्यूब कितना पेमेंट देता है। हमारा जो 45% पेमेंट यूट्यूब काट लेता है, तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ ये अगर हमारा 55% ही हमें मिला है, 55% हमारा 8,000 हुआ है, तो और 45 कितना होगा, इससे थोड़ा कम होगा, मतलब करीब 4 से 3,500 रुपये ये हमसे काट लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है यूट्यूब में, मतलब काट कूट के बहुत ही कम पैसा आता है। तो जितना पैसा आए उतना ही मतलब खुद से कमाया, ये बहुत ही अच्छा लगा, दिल को बहुत ही सुकून मिला, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो कि हम कुछ काम करते हैं जिससे हमें US से पैसा मिलता है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि आपको भी, आप लगे रहो, आपको भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से हमारा भी चैनल में थोड़ा बहुत इनकम होने लगेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप लोगों का पेमेंट प्रूफ देखने के बाद कुछ भी मतलब अपने अंदर कुछ भी सेल्फ मोटिवेशन जगह है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर नहीं अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितना भी अपना यूट्यूबर आप लोगों का है दोस्त, ठीक है, वो सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों, जय हिंद।